हेलो एंड वार्म वेलकम टू टूसा वाला जेई। सो गाइस, आज का ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। काफ़ी बच्चे हैं जिनको लगता है कि NIT, IIIT, CFTIS, IIT कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए 75% होना ही चाहिए, लेकिन यार ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन यार काफ़ी बच्चों के माइंड में चल रहा होगा कि उन्होंने तो यही सुना है कि भाई 75% होना चाहिए। तो यार आज के इस वीडियो में तुमको मैं 75% की जो रियलिटी है वो बिल्कुल बताने वाला हूँ। तो देखो, तुमको मैं पहले सबसे पहले क्लियर कर देता हूँ, तुमको IIT में एडमिशन लेना हो, NIT में लेना हो, IIIT में लेना हो, CFTIS में लेना हो, इसके लिए 75% हो ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। देखो, आज हम सारी कैटेगरी की बात करेंगे, जनरल का, OBC का, SC का, ST का एंड PWD का। तो देखो, सबसे पहले मैं तुमको क्लियर ये कर देता हूँ कि जो जनरल कैंडिडेट हैं या फिर OBC कैंडिडेट हैं, जिनकी बात चलती है 75% वाली, जिनके लिए बात चलती है 75% वाली, और जो कैंडिडेट SC हैं या फिर ST से हैं, उनकी बात चलती है 65% वाली। तो यार एक चीज़ ये समझना है कि ये जो 65% 75% का झमेला है, जो ये 75% वाला लोचा है, ये तुम्हारा लोचा आज ख़त्म हो जाएगा। तो यार बात यहाँ पर ये आती है कि भाई क्या है इसका पूरा सिस्टम। तो देखो, तुमको मैं पहले क्लियर कर देता हूँ कि अगर तुमको देखो जेई मेन का फॉर्म भरना है तो यार डेफिनेटली तुम विदाउट 75% तो एलिजिबल हो, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। लेकिन जब तुम्हारा मार्क्स आता है जेई मेन में, तो तुमको मालूम होगा कि भाई तुम फर्स्ट अटैम्प्ट दोगे, सेकेंड अटैम्प्ट लोगे, जो भी तुम्हारा बेस्ट अटैम्प्ट का स्कोर होगा, जो तुम्हारा परसेंटाइल आएगा, तो परसेंटाइल आने के बाद तुम्हारी बात आएगी कॉलेज की कि भाई कॉलेज कौन सा लेना है। या तो NIT की तरफ जाओगे तो तुमको मालूम होगा कि भाई जेई मेन के बाद क्या मिलता है, NIT, IIIT एंड CFTIS। और अगर तुमको IIT चाहिए तो तुमको जेई एडवांस देना पड़ेगा। तो जेई एडवांस कब दे पाओगे, जब तुम जेई एडवांस के लिए जो कट ऑफ होता है उसको क्लियर करोगे। तो जब तुम जेई मेन का पेपर दोगे, एडवांस के अकॉर्डिंग तुम्हारे मार्क्स होंगे, जब तुम्हारे एडवांस के लिए अपीयर होने के लिए तुम्हारे मार्क्स होंगे तो तुम अपीयर होगे, और अगर नहीं होंगे तो एडवांस से अपीयर नहीं होगे। और जब अपीयर ही नहीं हो तो तुमको IIT नहीं मिलेगा। तो अब बात करते हैं कि अगर किसी बच्चे ने एग्जाम दिया है और उसका जेई मेन का फर्स्ट अटैम्प्ट हुआ, सेकेंड अटैम्प्ट हुआ और बेस्ट स्कोर आया, और वो अपनी कॉलेज के लिए काउंसलिंग करवाता है, तो देखो काउंसलिंग दो तरीके से होती है। पहला तरीका है तुम्हारा JOSA और दूसरा तरीका है तुम्हारा CSAV। तो देखो हम लोग यहाँ देख लेते हैं। तो देखो तुम्हारे पास दो तरीके हैं, तुम्हारे पास देखो दो तरीके हैं। पहला तरीका है तुम JOSA काउंसलिंग करा सकते हो, जिसमें तुम्हारे 6 राउंड होते हैं, और दूसरा तरीका तुम्हारा CSAV काउंसलिंग, जिसमें तुम्हारे क्या है 2 राउंड होते हैं। अगर देखो तुम JOSA की बात कर लो या फिर CSAV की बात कर लो, यहाँ से तुमको NIT, IIIT एंड CFTIS कॉलेज मिलते हैं। सिमिलरली CSAV से मिलता है NIT, IIIT, CFTIS कॉलेज। अगर तुमसे मैं बात करूँ, जब तुम्हारा JOSA के थ्रू तुम कॉलेज लेते हो, जैसे तुमने JOSA के थ्रू NIT लिया, IIIT लिया या फिर CFTIS लिया, तो तुम्हारा 12th में 75% 65% की नीड नहीं है। तो तुमको ध्यान रखनी है, अगर तुम JOSA के थ्रू ले रहे हो तो ये नीड तुम्हारी क्या है, नहीं है। मतलब 12th में और तुम्हारा 65% या फिर 70% नहीं होना चाहिए। अगर तुम जनरल हो, OBC से हो, तो तुम्हारा 70% कोई भी नीड नहीं है। अगर तुम SC ST ST हो तो तुम्हारा 65% कोई नीड नहीं है। तो ध्यान रखना, बाई JOSA तुम्हारी कोई नीड नहीं है। और अगर तुम CSAB से जा रहे हो, अगर तुम CSAB काउंसलिंग कराते हो, तो यार तुम्हारा 75% और 65% का होना कंपलसरी है, ये मस्ट है, तुम्हारे लिए होना ही चाहिए। तो तुमने एक चीज़ ये समझा कि तुम्हारा परसेंटेज डिपेंड करेगा कि भाई तुम्हारा काउंसलिंग का जो प्रोसेस है वो क्या है। तुम JOSA के थ्रू जा रहे हो या फिर तुम CSAV के थ्रू जा रहे हो, देखो JOSA की जो काउंसलिंग है वो पहले स्टार्ट होती है, फिर CSAV की काउंसलिंग स्टार्ट होती है। तो काफ़ी बच्चे क्या है, JOSA के थ्रू ही एडमिशन ले लेते हैं। अगर यार JOSA के थ्रू तुमको लगता है कि भाई हमारे 6 राउंड होने में ज़्यादा डिले हो रहा है, तो काफ़ी बच्चे CSAB में भी इनरोल कर लेते हैं। तो यार CSAB में वही इनरोल करते हैं जो भाई जिनको पता है कि भाई मेरा 12th में 75% है, या फिर मेरा SC ST कैटेगरी में 65% है, वही लोग अप्लाई करते हैं। तो एक चीज़ तुमने ये समझा कि भाई काउंसलिंग प्रोसेस पे डिपेंड करेगा कि भाई तुम्हारा क्या परसेंटेज होना चाहिए। अब देखो काफ़ी बच्चे ऐसे होंगे जो कहेंगे कि सर कि NIT की बात हो गई,
ट्रिपल आईटी की बात हो गई, सीएफटीएस की बात हो गई, लेकिन यार आईआईटीएस की बात रह गई और जीएफटीआईएस कॉलेज की बात रह गई। तो देखो तुमको मैं बताना चाहूँगा, अगर तुमको आईआईटी चाहिए तो तुमको जेई एडवांस का जो कट ऑफ है वो क्रैक करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जो जेई एडवांस का जो कट ऑफ है वो निकालना पड़ेगा, तभी तुमको आईआईटी कॉलेज मिल सकता है। और यहाँ पर जो 75% क्राइटेरिया है, 60% क्राइटेरिया है, वो नहीं मांगा जाता है। तो ध्यान रखना, आईआईटी के लिए तुम्हारा कोई भी 65% नहीं मांगा जाता है, केवल तुम्हारी एलिजिबिलिटी क्या है कि तुम्हारा जेई एडवांस का जो कट ऑफ है, जेई एडवांस का जो कट ऑफ है वो तुम्हारा क्लियर हो गया हो। अगर वो तुम्हारा क्लियर है तो डेफिनेटली तुम क्या है, एलिजिबल हो जाते हो। और यार अगर तुमको जीएफटीएस के कॉलेज चाहिए तो वहाँ पे भी तुम क्या एलिजिबल हो जाते हो। तो ओवरऑल तुमने एक चीज़ ये समझी कि ये मैंडेटरी नहीं है कि तुम्हारा 65% या फिर 75% हो। और देखो काफ़ी बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनकी क्या रिजर्व कैटेगरी होती है, जैसे काफ़ी बच्चे एससी एसटी से होते हैं, वो फिर भी सोचते हैं कि यार मेरा 75% होना चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं है यार। अगर तुम एससी एसटी से हो तो तुम्हारे क्या है, तुम्हारा 65% होना चाहिए। और यार काफ़ी बच्चे अब ये सोच रहे होंगे, सर हमारी जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है उनकी तो बात रहेगी। अगर देखो तुम पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो तो तुमको मैं बताना चाहूँगा कि अगर तुम पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो, तुम जनरल से हो या फिर ओबीसी से हो या एससी से हो या फिर एसटी से हो, तो तुम्हारी कैटेगरी की जो सीट है उनमें 5% का तुम्हारा रिजर्वेशन और होता है। तो तुमको ध्यान रखना है कि अगर तुम जनरल से हो तो तुम्हारा 5% सीट क्या रिजर्व रहेगी। अगर तुम ओबीसी से हो तो भी तुम्हारी 5% रिजर्व रहेगी। अगर तुम एससी या फिर एसटी से तो तुम्हारी 5% तो भी रिजर्व रहेगी। तो यार ये तुम्हारे लिए एक प्लस बेनिफिट है, तो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए भी ये प्लस बेनिफिट है। तो यार ओवरऑल तुमको मैंने एक चीज़ ये समझाई कि 75% का क्राइटेरिया एनआईटी, ट्रिपल आईटी, सीएफटीआईएस, आईआईटी, जीएफटीआईएस कॉलेज के लिए कब एप्लीकेबल है और कब एप्लीकेबल नहीं है, उसका क्या पूरा रोल रहता है, किस तरीके से वो सारी चीज़ें रहती हैं। और अगर मैं तुमको शॉर्ट में एक बार फिर से बताऊँ तो तुमको ध्यान से समझना है, अगर तुमको अपना जेई मेन का पेपर देना है, जेई मेन का फॉर्म भरना है, तो 75% की कोई भी नीड नहीं है। तुमको अगर एनआईटी, ट्रिपल आईटी, सीएफटीएस कॉलेज लेना है तो यहाँ पर भी 75% की नीड तब है जब तुम सीएसएवी काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन ले रहे हो। और अगर तुम जोसा काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन ले रहे हो तो फिर कोई भी नीड 75% की नहीं है। और अगर तुमको आईआईटी कॉलेज में एडमिशन लेना है तो तुमको जेई एडवांस का जो कट ऑफ है वो क्लियर तुम्हारा होना चाहिए। यहाँ पर आईआईटी के लिए जो 75% क्राइटेरिया है या फिर जो कैटेगरी के 65% क्राइटेरिया है, इसकी कोई भी नीड नहीं है। तो ओवरऑल तुमको मैंने सारी चीज़ समझाई। अगर तुम्हारा परसेंटेज क्राइटेरिया के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है, कोई भी तुम्हारा कन्फ्यूजन है कि 75% एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ये चीज़ रह गई है, तो नीचे कमेंट और से कमेंट करके पूछ सकते हो। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को उन लोगों तक शेयर करें जो सिर्फ ऐसा सोचते हैं कि भाई एनआईटी, ट्रिपल आईटी, सीएफटीआईएस, आईआईटी के लिए 75% होना ही चाहिए। तो ज़रूर शेयर कीजिएगा उन सारे फ्रेंड तक जो कन्फ्यूजन में हैं, परेशान रहते हैं। तो चलो यार आज के वीडियो हम लोग यहीं कहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।